मैट्रिक पास लिया, पास कर लिया तो आओ हमारा गोड़ दबाओ, यानी हमारा पैर दबाओ। ये अपमान करने के लिए ये बात कही गई थी कि हमारा पैर दबाओ, तब जाकर के कलम और किताब की अहमियत पहचानी कर्पूरी ठाकुर जी ने। और उतनी दूर जाकर के स्कूल जाए और वापस लौट कर आए क्योंकि कलम और किताब से लोगों का मुस्तकबिल बदल सके। कल जो लोग कर्पूरी ठाकुर को गाली देते थे वही आज भारत रत्न से नवाज रहे हैं। हजारों साल से जिन हाथों में कैंची और उस्तरा हुआ करता था, उस उस्तरे और कैंची को छीन करके हाथ में कलम पकड़ाई विरासत में कर्पूरी ठाकुर को केवल वो कलम मिले थे। जिसने जंगी आजादी के वक्त जब बहुत सारे लोग माफी वफी मांग रहे होंगे या अंग्रेजों का साथ दे रहे होंगे, कर्पूरी ठाकुर जेल में खड़े थे। फकीरी कहने से नहीं आती, फकीरी आचरण से आती है और उस आचरण को अपने व्यवहार में दिखाने वाले जननायक का नाम कर्पूरी ठाकुर है। जब 22 तारीख को एक अलग तरह का जश्न मनाया जा रहा था तो देश के तमाम बड़े बड़े विश्वविद्यालयों तक में उसका असर दिख रहा था। मेरा अपना विश्वविद्यालय जो दिल्ली विश्वविद्यालय रहा, वो तो मुझे लग रहा था कुछ मामलों में अयोध्या को भी पीछे छोड़ने की होड़ में था। बहुत खुश थे लोग, विश्वविद्यालय के भीतर के लोग बहुत खुश थे, लेकिन पता नहीं वो दृश्य इस देश के लोगों के लिए एक सवाल की तरह है कि किसी और धर्म के लिए क्या कभी ऐसा दिन आएगा तो क्या विश्वविद्यालय उस रंग में रंग जाएं और लोग रंगने देंगे। तो ये ऐसे वक्त में भी JNU इतना बचा हुआ है, तो इसके लिए मैं JNU के उन तमाम साथियों को भी बधाई दे रहा हूं कि वो कर्पूरी ठाकुर जी को याद कर ले रहे हैं। वरना ये जगहें तो अब खत्म की जा रही हैं, अब इन जगहों पर कुछ और हो लेकिन विचार वाद विवाद संवाद ना हो, या हो तो उन्हीं के मुताबिक हो जो चाहते हैं कि दुनिया एक ही रंग में रंग जाए। गाना बज रहा है पूरे देश में कि मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। मैं उस गाने को याद करते हुए अपने जननायक को याद कर रहा हूं कि जब वो दो बार मुख्यमंत्री रहने के बाद विधायक रहने और नेता प्रतिपक्ष रहने के बाद भी जब इस दुनिया से रुखसत करके गए तो उनके पास एक पक्का मकान भी नहीं था। जिल्ले इलाही एक दिन देश में भाषण देते हुए कह रहे थे कि मैं भी सोच रहा था कि काश मेरा बचपन भी टेंट में बीता होता। उन्हें पता नहीं कि आज भी इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी टेंट जैसे घर में रहने को मजबूर है और अभी उनकी झोपड़ी तक कोई रोशनी ज्ञान की नहीं पहुंची है। एक ऐसा ही घर बिहार के समस्तीपुर के एक छोटे से गांव में हुआ करता था जिसमें पूरे इलाके में पहली बार कोई बच्चा मैट्रिक पास करता है। और वह किस्सा जब से मैं पढ़ा हूं मैं सोचता हूं कि भारत को अगर आपको देखना हो तो आप कहां से देखेंगे। वो बच्चा जब गोकुल नाई के घर का जो बड़ा बेटा वो पास होता है तो वो इलाके में वो एक पहली घटना थी कि उस वंचित शोषित जमात का कोई बेटा, क्योंकि लड़कियों के बेटियों के पढ़ने का मौके तो और कम थे, जब वो पास हुए तो पेट काट कर एक एक रुपया बचा कर उनके पिता ने मैट्रिक तक की पढ़ाई तो पढ़ा दी लेकिन आगे के लिए एक उम्मीद में अपने ही गांव के एक, जैसे अभी भाटी साहब कह रहे थे, उन्होंने कई तरह के बहुत बारीक, और बद्र आलम जी ने भी बहुत सारे बारीक सवालों पर जवाब दिया है, और भाटी साहब तो आजकल टीवी मीडिया पर जो काम कर रहे हैं, आपका बड़प्पन है कि आप मेरे लिए सम्मान की बात कर रहे थे लेकिन जब आप जैसे लोग वहाँ खड़े हो करके, सोचिए ना इस देश में टेलीविजन जो कि शुद्ध रूप से विज्ञान के बदौलत चल रहा है, वहां खड़ा होकर के अजीब अजीब सी बातें कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो पत्थर में भी प्राण डाल सकता है। भाटी साहब मैं आपको एक बात बताऊं कि ये बात पहली बार नहीं बोली गई थी, रोज उसे टीवी पर बैठकर ये सब बोलते थे, लेकिन वहां आप जैसा कोई बगल में खड़ा नहीं था जो कह रहा था कि इंसान में भी डाल सकते हो क्या।
इतना ही खेल है इस देश में, बस इतनी सी देर है। शायद ऐसा बोलने वाले को वो कभी मौका नहीं देते या बुलाते नहीं, और अगर बुलाते भी हैं तो लोग ये साहस नहीं जुटा पाते कि एक तार्किक वैज्ञानिक सवाल ही पूछ लो ना, आपने कोई अपमान नहीं किया ना, एक तार्किक सवाल पूछा और जोड़ दिया आपने। देखिए समझदारी और तर्क का कला देखिए, भाटी साहब ने उसकी अगली लाइन में जोड़ दिया कि शहीद जो होते हैं उनके में जान डाल सकते हो कि नहीं, अब बोलो शहीदों के खिलाफ तुम। तो ये तर्क और विवेक है, मुझे लगता है वो कलम और किताब की बहुत बड़ी अहमियत है, तो मैं आपको बधाई दे रहा हूं। और आपने वो बात कही कि कोई बड़ी जात छोटी जात नहीं होता, हमने तो इस देश में इतिहास पढ़े कि गालियां बनाई गई थी कि बड़ जात बतियौला से और छोट जात लतियौला से, ये भोजपुरी में हम लोग की तरफ कहा जाता है कि बड़ी जात को अगर समझाना हो तो बात करिए और छोटी जात को समझाना हो तो लात से समझाइए। इसका मतलब इस समाज में बड़ी जात और छोटी जात थी। हम जैसे लोग जो न्याय को पसंद करते हैं, संविधान को पसंद करते हैं, वो इसे नकारते हैं कि नहीं, कोई जात बड़ी और कोई जात छोटी नहीं होती। और ये बात सोच करके कल्पना करिए कि गोकुल नाई जब अपने बेटे को लेकर अपने ही गांव के एक जमींदार सामंती व्यक्ति के पास गए, वो चारपाई पर लेटे हुए थे, भारत को वहां से देखने की कोशिश करिए, बहुत कोई किसी और युग की बात नहीं है, कलयुग की ही बात है और आज से तकरीबन 6-7 दशक पहले की ही बात है, 7-8 दशक हुआ होगा। तो वहां उन्होंने कहा कि बेटे से कि बताओ इनको, जो आराधना भी जिक्र कर रही थी, उन्होंने बच्चे ने जाकर कहा कि मैं मैट्रिक पास हो गया, उस खुशी में कहा कि इसका मतलब मैं काबिल हूं, थोड़ी मदद मिल जाए तो मैं आगे की पढ़ाई कर लूं। और सामने से आवाज आती है कि अच्छा मैट्रिक पास कर लिया तो आओ हमारा गोड़ दबाओ, यानी हमारा पैर दबाओ। ये अपमान करने के लिए ये बात कही गई थी कि हमारा पैर दबाओ। गोकुल नाई का वो बेटा कुछ दिनों बाद जब बिहार का मुख्यमंत्री बना तो उसने एक निर्णय लिया कि अब मैट्रिक तक की पूरी पढ़ाई निशुल्क होगी, किसी गरीब के बच्चे को जेब में पैसा है कि नहीं है इससे तय नहीं होगा कि उसे शिक्षा मिलेगी या नहीं मिलेगी। फर्क इतना ही है। ये आइडिया ऑफ इंडिया को अगर आपको समझना है तो वो गोकुल नाई का बेटा कर्पूरी ठाकुर आपको एक आईना दे रहा है, एक चश्मा दे रहा है कि भारत को एक बार समझ तो लो कि वो कहां से बन के आया, ये किससे वो किससे नहीं है। बचपन में अगर गोकुल नाई के घर रहने को घर नहीं था तो उनका बेटा सड़क पर भीख मांगने नहीं गया कि 35 साल भीख मांगी कि 40 साल भीख मांगी पता ही नहीं, पढ़ाई करने निकल गए। 6 किलोमीटर दूर स्कूल हुआ करता था, घर से 6 किलोमीटर दूर जाना और 6 किलोमीटर वापस लौटना, और ऐसे वक्त जब पांव में चप्पल और जूता कुछ भी नहीं था, तब जाकर के कलम और किताब की अहमियत पहचानी कर्पूरी ठाकुर जी ने। और उतनी दूर जाकर के स्कूल जाए और वापस लौट कर आए क्योंकि कलम और किताब से लोगों का मुस्तकबिल बदल सके। और उन्हें जब मौका मिला देश अपना राज्य चलाने का, चुन करके मुख्यमंत्री के ओहदे पर बैठे। दो किस्सा छोटा छोटा बताता हूं क्योंकि आजकल किस्से भी बहुत सुनाए जाते हैं, कोई आपके गांव का प्रधान हो या गांव देश का प्रधानमंत्री, कहानियां खूब गाई जा रही हैं। उन कहानियों में पता नहीं कितना सच है कितना नहीं, लेकिन जो दस्तावेज में लिखे गए हैं जो जीवनियां हैं उन कहानियों से भी जरा भारत को समझिए। किस्सा यह मिलता है कि जब कर्पूरी ठाकुर जी गुजर गए, उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री होने के बाद हेमवंती नंदन बहुगुणा उनके गांव जाते हैं और देखते हैं कि जो व्यक्ति 2 बार बिहार का चीफ मिनिस्टर रहा हो उसके पास रहने के लिए घर नहीं है पक्का। और वो देख करके हेमवंती नंदन बहुगुणा अपना संस्मरण लिखते हुए कहते हैं कि मेरे आंख से आंसू निकल गए कि ऐसा कैसे संभव है कि एक व्यक्ति जो बिहार का मुख्यमंत्री रहा हो उसके पास अपना पक्का मकान नहीं है। चौधरी चरण सिंह उस जमाने में प्रधानमंत्री हुआ करते थे और एक कार्यक्रम के सिलसिले में प्रचार चुनाव प्रचार के आसपास वो कर्पूरी ठाकुर साहब के गांव गए, और जब गांव पहुंचते हैं तो उनका कच्चा जो मकान था वो पुराना था, तो उसका दरवाजा बहुत छोटा नीचा था और
चौधरी साहब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, थोड़ा कदकाठी लंबी, उनका माथा उसमें टकराया तो अपने पश्चिमी यूपी वाले अंदाज में कहा कि अरे कर्पूरी थोड़ा दरवाजा तो ऊंचा करवा ले, पक्का मकान बना ले। कर्पूरी ठाकुर पलट कर बोलते हैं कि जिस दिन बिहार में रहने वाले हर व्यक्ति का मकान पक्का हो जाएगा तो मेरा भी हो जाएगा। मुझे लग रहा है कर्पूरी ठाकुर को यहां से समझना चाहिए। और यह बात तब कही जा रही है जब इस देश में 10 साल सरकार बनाने का मौका मिला तो 7-750 जिले हैं और 900 पार्टी ऑफिस बन चुकी है, कोई 3 स्टार, कोई 4 स्टार, कोई 5 स्टार, करोड़ों रुपए की बनी हुई। और आज इसी देश में उन्हीं लोगों ने भारत रत्न देने की घोषणा की। हम स्वागत करते हैं, हम इसकी तारीफ करते हैं कि आपको याद तो आई, लेकिन हम यह भी जानते हैं कि आपको याद कर्पूरी ठाकुर की आई तो इस भारत रत्न देने का पूरा श्रेय हम कर्पूरी ठाकुर और उनके पूरे संघर्ष को देना चाहेंगे, क्योंकि उसी में इतना दम था। कल जो लोग कर्पूरी ठाकुर को गाली देते थे वही आज भारत रत्न से नवाज रहे हैं। इसलिए इसकी क्रेडिट अगर किसी को जाएगी तो वो इनके संघर्षों को जाएगी। और वो संघर्ष क्या थे इसे इस देश में कम से कम याद तो किया जाएगा। वो संघर्ष ये था, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा करते थे कर्पूरी ठाकुर जी। सोशलिस्ट पार्टी लोहिया जी की थी, लोहिया जी के साथ शुरुआती दौर में नहीं थे, लेकिन जब संसोपा बन गई संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी तो सारे समाजवादी नेता एक हो गए। विरासत में कर्पूरी ठाकुर को उनके घर वालों ने कुछ नहीं दिया, लेकिन हां हजारों साल से जिन हाथों में कैंची और उस्तरा हुआ करता था उस तरह और कैंची को छीन करके हाथ में कलम पकड़ाई, विरासत में कर्पूरी ठाकुर को केवल वो कलम मिले थे। घर पक्का नहीं, बदन पर कपड़े पूरे नहीं, पैर में जूते नहीं, लेकिन कर्पूरी ठाकुर को उस बिहार ने विरासत में एक समाजवादी आंदोलन दिया था, जिसने जंगी आजादी के वक्त जब बहुत सारे लोग माफी उफी मांग रहे होंगे या अंग्रेजों का साथ दे रहे होंगे, कर्पूरी ठाकुर जेल में खड़े थे। तो यह विरासत बिहार के समाजवादी आंदोलन की थी, वो विरासत समाजवाद की थी। और जब समाजवादी विरासत को लेकर के वो आगे बढ़े तो कर्पूरी ठाकुर जब दुनिया से विदा हुए तो विरासत में और कुछ नहीं छोड़ गए, उनके पास कुछ था ही नहीं। भाटी साहब ने भी बताया कि एक इंच जमीन उनके मालिक वो नहीं थे, लेकिन विरासत सपनों और विचारों की थी। भारत रत्न देने वालों को शुक्रिया कहने के बाद हम अगला वाक्य पूछेंगे, उनके सपनों और उनके विचारों पर चलने के लिए एक कदम अगर बढ़ना था तो आज का दिन सबसे अच्छा था घोषणा करने का कि पूरे भारत में हम जाति जनगणना कराएंगे, तब जाकर के कर्पूरी ठाकुर के सपनों का भारत बनता। क्योंकि उनका कद तो इतना बड़ा था कि वो गाली से भारत रत्न पहुंच गए, मगर विचारों का क्या है। विचारों का वही किस्सा है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर पहली बार 52 में चुनाव लड़े और 52 में जब प्रतिनिधि मंडल में शामिल हो गए, 31 साल उम्र थी और विदेश जाना था उस प्रतिनिधि मंडल को, उनके पास कोट नहीं थी अपनी, पुरानी कोट एक दोस्त से मांगते हैं जो फटी थी। और मार्शल टीटो वहां दूसरे देश के प्रमुख जब देखते हैं कि तुम्हारी कोट फटी हुई है तो जाते आते एक कोट भेंट कर देते हैं कर्पूरी ठाकुर को। और दूसरा किस्सा 1977 के आसपास का था, जब 1977 के आसपास जब एक समय में पटना में एक कार्यक्रम हो रहा था जयप्रकाश नारायण जी के पूरे विचार और उन चीजों को लेकर के, तो तमाम समाजवादी लोग वहां इकट्ठा हुए। और उस समय कर्पूरी ठाकुर जी 77-78 के आसपास की बात है, मुख्यमंत्री थे बिहार के। बहुत लंबा वक्त हो जाएगा उन संघर्षों को अगर मैं आपके बीच सिलसिलेवार रखने लगूं कि कैसे मुख्यमंत्री के ओहदे तक पहुंचे और क्यों इस्तीफा देना पड़ा, उस सियासत पर फिर कभी बात करेंगे, क्योंकि अब तो बात होगी, क्योंकि भारत रत्न के पन्ने अब इतिहास से कैसे फाड़े जाएंगे, तो बात तो होगी कर्पूरी ठाकुर पर, फिर हम बात करेंगे उस सियासत पर। लेकिन उस किस्से को यहां से समझिए, राजनीति के व्याकरण को बदलने वाले लोग जब वहां कर्पूरी ठाकुर बतौर मुख्यमंत्री शामिल हुए तो उनके पैर के चप्पल भी टूटी हुई थी एक तरफ से और बदन का कपड़ा फटा हुआ था। एक समाजवादी नेता ने थोड़ा चुहल करते हुए कहा कि अच्छा एक मुख्यमंत्री को कितना वेतन भत्ता देना चाहिए ताकि उसके तन पर ठीक से लिबास हो।
लोग हंस पड़े। लेकिन वो चंद्रशेखर जी जो बाद में चल करके देश के प्रधानमंत्री बने, वो खड़े होते हैं और अपना कुर्ता आगे करके कहते हैं कि भाई कर्पूरी कुर्ता फंड में कुछ पैसा दिया जाए जिससे कर्पूरी ठाकुर को धोती और कुर्ता बनवाएंगे हम। और उससे जब पैसा जो इकट्ठा हुआ, चंद्रशेखर जी जब सौंपने लगे कर्पूरी ठाकुर को, तो उन्होंने कहा कि कर्पूरी इसका धोती कुर्ता ही सिलवाना। और उस पैसे को लेते हुए कर्पूरी ठाकुर ने कहा कि इस पैसे को मैं मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा कर दूंगा, बिहार के बेलिबास बदनों पर जिस दिन लिबास आ जाएगा उस दिन कर्पूरी भी नया कुर्ता पहनना शुरू कर देगा। ये वो वक्त था जब कर्पूरी ठाकुर अपना नाम गुदवा करके 10 लाख का सूट नहीं पहनना चाह रहे थे, उनका कुर्ता फटा था लेकिन फिर भी वो बाकी लोगों के बदन पर लिबास डालना चाह रहे थे। ये बात हम नहीं बोलेंगे, कोई और बोलेगा। विश्वविद्यालय में नहीं बोली जाएगी तो सड़क चौराहे पर बात होगी। क्योंकि ये अंतर है, फकीरी कहने से नहीं आती, फकीरी आचरण से आती है। और उस आचरण को अपने व्यवहार में दिखाने वाले जननायक का नाम कर्पूरी ठाकुर है। इसलिए हम कह रहे हैं उनके विचारों का क्या होगा। उनके विचारों का किस्सा तो ये है साहब, मुख्यमंत्री बने तो फैसला लिया। एक वाक्या ये भी मिलता है, जब संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी बन गई थी, और उस समय तक तो मुख्यमंत्री भी नहीं थे कर्पूरी जी, नेता प्रतिपक्ष रहते हुए सबसे ज्यादा सवाल जो पूछा, 90% सवाल उसमें से केवल दो विषयों पर थे, खेती किसानी पर और पढ़ाई लिखाई पर। 90% सवाल कर्पूरी जी के उस पर थे। और उसके बाद लोहिया जी से मिलने आए, उनके साथ एक सज्जन थे, उन्होंने संदेशा भिजवाया। लोहिया जी ने कहा कि मैं किसी से नहीं मिलूंगा, कह दो तबीयत खराब है। कर्पूरी जी समझ गए कुछ मामला गड़बड़ है, क्योंकि लोहिया जी ने उस समय जब गैर कांग्रेसवाद की एक बहार आई, और उस समय बहुत सारी जगहों पर गैर कांग्रेसी सरकार बनी, उसमें से एक सरकार ये भी थी, और समाजवादी नेता लोहिया जी कहते थे कि भाई 2-3 काम तो तुरंत आपको करने होंगे, जैसे अंग्रेजी की अनिवार्यता को खत्म करने का एक वादा उन्होंने कहा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ये जो कम जोत के जमीनें हैं, सिंचाई कम है, वहां का लगान लेना बंद कर दीजिए। ये सारी शर्तें रखी, कोई सरकार उस तरह का जोखिम उठा नहीं पा रही थी। कर्पूरी जी समझ गए कि कुछ मामला गड़बड़ है, लोहिया जी वैसे नेता नहीं है कि तबीयत खराब नहीं है तो मिल नहीं पाएंगे। कोई कहता नहीं, लेकिन फिर भी लोहिया और कर्पूरी ठाकुर वो नेता थे जो वाकई 18 घंटे काम करते रहे होंगे और छुट्टी नहीं लिए होंगे। लेकिन ये बात कहे कौन, अब तो खुद ही कहना पड़ता है। उस समय कर्पूरी जी ये बात समझ गए, वापस लौट कर जब बिहार गए तो पहले वो शिक्षा मंत्री खुद थे, उन्होंने पहला काम उसी समय किया, और यहां से वो शुरू होता है सिलसिला जिसके वजह से कर्पूरी ठाकुर को गालियां दी गईं। वो पहला निर्णय कि मैट्रिक तक की पढ़ाई निशुल्क होगी और अंग्रेजी का पेपर अब कंपलसरी नहीं रहेगा, ताकि गांव कस्बे के गरीब कमजोर मजलूम भी, एक विषय में फेल हो जाते थे तो डिग्री नहीं आगे मिलती थी, और उस जमाने तक अभी फेक डिग्रियां बनना प्रचलन में नहीं आई थी। तो इसलिए उनके पास डिग्री लेने का मौका नहीं था, पढ़ाई का औसत बहुत कम था। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया कि इंटायर पॉलिटिकल साइंस भी नहीं था। भाटी जी अभी टीवी वालों का आपने इतना इलाज किया, मैं तो बहुत खुश हूं, बार बार याद दिलाता हूं। इसलिए जब दो निर्णय लिए गए तो गांव से पहली बार उन हाथों में कलम और किताब आना शुरू हुई जिन हाथों में हजारों साल से कभी करनी बसुला, कभी कुदाल फावड़ा, और कभी छिनी हथौड़ी, तो कभी कैंची और उस्तरा हुआ करता था। ये वो क्रांति है जो समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर ने शुरू की। इससे नाराज हुए लोग, क्योंकि वर्चस्व टूटता है ना, क्योंकि सब पढ़ लेंगे तो सब पढ़ेंगे तो सवाल पूछेंगे। इसीलिए विश्वविद्यालयों पर इतना हमला इसीलिए किया जाता है ना, सिलेबस बदल दिया जा रहा है। और अब तो नई शिक्षा नीति आई है,